मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1514 राजस्व गांवों को 2422 करोड़ की लागत से नवीन सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण मंत्री और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है। सड़कों के बनने के साथ ही उसकी गुणवत्ता, उसका रखरखाव भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि सड़क अपने साथ इन गांव तक तरक्की का रास्ता लेकर आएंगी। मुझे बहुत पसंद था कि आज 1534 सड़कों का जो गांव की है उनके बनने का, डामर सड़कों बनने का शिलान्यास का प्रोग्राम रखा गया 2400 के लगभग करोड़ की लागत से। जैसा अभी भजन लाल जी ने सीएस ने बताया आपको कि जिस प्रकार से राजस्थान में सड़कों का निर्माण हो रहा है उसके कारण है कि हमेशा जब जो अवसर मिला हमने सड़कों पर ध्यान दिया कि सड़कों से विकास का बहुत बड़ा संबंध होता है। सड़कों से गांव वालों को कितनी सुविधा मिल सकती है कहने जा सकता नहीं है। हमने भी ध्यान दिया सड़कें बने साथ में उनकी क्वालिटी अच्छी हो, मेंटेनेंस अच्छे हो, तो 3 साल मेंटेनेंस ठेकेदार करे, बनने के बाद में 5 साल करे, ये प्रोविजन भी किए गए। ये ध्यान रखा गया, मंत्री जी कह रहे थे एक्सीडेंट नहीं हो, कई बार ब्लैक स्पॉट जो माने जाते हैं उनको ठीक करने का काम भी लगातार साथ साथ चलता रहा। मुझे खुशी है कि क्वालिटी को लेकर भी जो एक एफर्ट बन गई विभाग की, उसको ठेकेदारों ने अपनाया है, विभाग पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। यही कारण है कि अधिकांश जगह पर सड़कों की क्वालिटी अच्छी बनी, कहीं कहीं शिकायत आ सकती है, पर फिर भी क्योंकि ट्रांसपोर्ट हैवी ट्रांसपोर्ट चलते रहते हैं कई सड़कों पर, मैं गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, बरसात के अंदर गाँव की सड़क हो चाहे वो शहर की सड़क हो, टूटना स्वाभाविक है, काम रुक भी जाते हैं, नई सड़कें बन नहीं सकती है। बट इस एफिशिएंसी से जो बजट घोषणाएं हुई है, घोषणाएं नहीं हुई है किसी विभाग की, हमारे एमएलए हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं कि पहली बार जिस रूप में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी स्वीकृति जारी करवा रहा है, पहली बार काम चाहे किसी विभाग के हो काम चालू हो गया हमारा, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात भी क्यों नहीं हो, तहसील बनने की बात हो, हर काम हर विभाग का कोई काम अटकता नहीं है और स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, इसी का इम्पैक्ट रहता है देखने को मिल रहा है। इतने में कहना चाहूँगा ठेकेदारों का अपना एक भूमिका होती है बहुत बड़ी, कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कुछ कारण हो जाते हैं, मुझे खुशी है कि वो लोग भी आगे बढ़ करके एक काम में भागीदारी निभा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि बरसात खत्म होते ही आज जो शिलान्यास हो रहे हैं उन कामों को वो आगे बढ़ाने में तत्परता दिखाएंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे, जिससे कि समय पर गांव वालों को सड़क बनने का लाभ मिल सके। पहले बहुत ज्यादा वक्त लगता था, अभी मंत्री जी कह रहे थे अब टाइम सड़क बनने का भी बहुत कम हो गया है, ये एफिशिएंसी की बात है। राजस्थान में चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, ODR MER जो भी हो, चाहे गांव की सड़कें हो, CRF का फंड हो, चाहे PMSY का फंड हो, स्टेट फंडिंग हो, सरकार ने जिस पर मोबिलाइज किया है उसके कारण से मैं कह सकता हूँ कि सभी क्षेत्रों में, सभी गांव में, कस्बों में, शहरों में सड़कें एक साथ बनने शुरू हुए। इसीलिए हम कह सकते हैं 1,40,000 किलोमीटर सड़कें इन 5 साल के अंदर बनाई जा रही है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा सड़कें बन चुकी हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है कि बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि वही है। हर छोटी छोटी बात को लेकर के मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर उसका असर है। हम कभी जाते दिल्ली में कहीं जाते हैं, लोग बात करते हैं रहते हैं सड़कें शानदार सड़कें बनी हुई है, और मेरा मानना है कि यही गति जो है आगे भी बनी रहेगी, और जो आज शिलान्यास होने जा रहे हैं और हुए हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं रहेगी।